Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Signal System. The subject code is KEC403 and here we are in lecture number 12 or unit number 2. So, in the previous lecture basically we have done a practice problem jisme hum logon ne solve kiya tha impulse response given difference equation se kaise calculate karte hain. Now, in this lecture on the similar way hum log baat karne wale hain step response agar aapko aayega calculate karne ke liye by the difference equation to aap use kis tarah se solve karenge. So, koi nayi cheez main yahan pe nahi bata raha hu, keval questions ki types main change kar raha hu, keval question mein ek chota sa change kar raha hu, lekin jo hamara solve karne ka method hai already jo concept hai wo aap logo ke paas hai. Yahan main keval jo ye lecture बना रहा हूं दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग सो दैट आपको ये टॉपिक चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए आप उस क्वेश्चन को समझ सके यू विल एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. So, here in this step response calculation, I have taken the question that find the step response of the system described by the difference equation this one. राइट अब यहां पे हमें स्टेप रिस्पांस कैलकुलेट करना है तो इफ यू रिमेंबर इस यूनिट में हमने स्टेप रिस्पांस की बात की थी कि व्हाट इज द स्टेप रिस्पांस. जी हां अगर किस एलटीआई सिस्टम के अंदर मैं आउटपुट कैलकुलेट कर रहा हूं विद द इनपुट इज यूनिट स्टेप फंक्शन अगर हम इनपुट सिग्नल को क्या अप्लाई कर रहे हैं xn is equal to un तो इस केस में ये जो आउटपुट yn कैलकुलेट होता है इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं स्टेप रिस्पांस. राइट तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था इंपल्स रिस्पांस की व्हेन द इनपुट इज इंपल्स फंक्शन देन द आउटपुट इज कॉल्ड इंपल्स रिस्पांस. तो सिमिलरली व्हेन द इनपुट इज यूनिट स्टेप रिस्पांस यूनिट स्टेप फंक्शन देन द आउटपुट रिस्पांस यानी yn उस केस में जो रिस्पांस आएगा उसे हम बोल रहे हैं स्टेप रिस्पांस. एंड सी अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से डिफाइन करूं फाइंड द रिस्पांस. राइट फाइंड द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब बाय द डिफरेंस इक्वेशन दिस इफ xn इज इक्वल टू un तो यानी कि अल्टीमेटली इस क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे क्या कैलकुलेट करना है. जी हां मुझे सिस्टम का रिस्पांस कैलकुलेट करना है व्हेन द इनपुट इज गिवन. सो इस केस को हम बोलते हैं फोर्स रिस्पांस. राइट यही चीज हमने पढ़ी है कि अगर इनपुट में इनपुट की वजह से हम सिस्टम का रिस्पांस कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ फोर्स रिस्पांस बिकॉज़ यहां पे मेरे पास कोई इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं है. सो मैं फिर से वही चीज जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया थी कि नेचुरल रिस्पांस कैलकुलेट नहीं करेंगे वी विल ओनली कैलकुलेट दिस फोर्स रिस्पांस. राइट एंड व्हाट इज द फोर्स रिस्पांस तो बेसिकली फोर्स रिस्पांस इज गिवन बाय होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो अगर होमोजेनियस सॉल्यूशन की बात करें तो होमोजेनियस सॉल्यूशन आता है व्हेन यू पुट द गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू 0 यानी कि हम इनपुट को क्या पुट करते हैं इनपुट को जो हम 0 करते हैं देन इट बिकम्स अ होमोजेनियस सॉल्यूशन. सो फॉर होमोजेनियस सॉल्यूशन इनपुट हमारा 0 हो गया सो हमारी डिफरेंस इक्वेशन हो जाएगी yn + 4yn - 1 + 4yn - 2 इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज अ होमोजेनियस सॉल्यूशन और होमोजेनियस सॉल्यूशन का जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय yhn इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n. तो लैम्डा टू द पावर n अगर यहां रख देंगे लैम्डा टू द पावर n + 4 लैम्डा टू द पावर n - 1 + 4 लैम्डा टू द पावर n - 2 इज इक्वल टू 0. नाउ हम यहां से लैम्डा टू द पावर n - 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है लैम्डा स्क्वायर + 4 लैम्डा plus 4 is equal to 0. So from this equation because lambda ki power n minus 2 not equal to 0 so this particular value becomes 0 aur ye particular value represent kar rahi hai lambda plus 2 whole square is equal to 0 to lambda is equal to minus 2 and minus 2 there are two roots basically aur dono roots kaise hain homogeneous equation ke ji ha dono roots similar hain. So what is the solution for homogeneous equation to in this case we use this second category because the roots are repeated. So what is our solution c1 plus c2 into n की और मल्टीप्लाई लैम्डा 1 टू द पावर n. तो अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज व्हाट इज द सॉल्यूशन सॉल्यूशन बिकम्स c1 + c2 into n और यहां पे वैल्यू है -2 -2 द पावर n दैट इज कॉल्ड द होमोजेनियस सॉल्यूशन. राइट होमोजेनियस सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन. नाउ हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं फोर्स रिस्पांस तो फोर्स रिस्पांस दैट इज होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन और होमोजेनियस सॉल्यूशन अभी हमने देख लिया दैट इज c1 + c2n एंड देन मल्टीप्लाईड बाय -2 टू द पावर n. सो दिस इज द फोर्स रिस्पांस इज इक्वल टू होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहां से आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है हमारा इस टेबल के थ्रू. राइट और जैसे कि हमें यहां पे इनपुट दिया गया वी हैव टू कैलकुलेट द स्टेप रिस्पांस तो इनपुट क्या है इनपुट है हमारा स्टेप इनपुट. तो फॉर स्टेप इनपुट वी आर टेकिंग द पर्टिकुलर सॉल्यूशन एज k xn. जी हां इनपुट अगर मेरे पास un की फॉर्म में है यानी स्टेप सिग्नल की फॉर्म में है तो व्हाट इज माय पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज गिवन एज k इनटू xn. राइट सो यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहां पे इनपुट xn क्या है इनपुट un है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वैल्यू क्या हो जाएगी k इनटू un. और k की वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं k की वैल्यू सॉल्व करने के लिए इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम किस में पुट करेंगे जी हां डिफरेंस इक्वेशन में.
राइट। तो इस डिफरेंस इक्वेशन में मैं वाई ऑफ पी एन यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है मेरे पास, दैट इज के इंटू यू एन। तो अगर इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा के इंटू यू एन प्लस ये हो जाएगा हमारा 4KUn-1। सिमिलरली वाई एन माइनस टू है तो ये हो जाएगा 4 ऑफ के यू एन माइनस टू इज इक्वल टू व्हाट इज एक्स एन, एक्स एन इज यू एन। नाउ अगर हम इसमें सॉल्व करें तो हमने पढ़ा था कि हमें कौन सी n की वैल्यू यहां पे लेनी होती है, चूज करनी होती है। जी हाँ, n की वो वैल्यू चूज करनी है जिससे ये कंप्लीट इक्वेशन में कोई भी टर्म वैनिश ना हो, कोई भी टर्म जीरो ना हो। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n दैट वी सिलेक्ट, यहां n इज इक्वल टू 2। सो जब मैं n इज इक्वल टू 2 सिलेक्ट करूंगा तब इस इक्वेशन का कोई भी टर्म जीरो नहीं होने वाला। n इज इक्वल टू 2 का मतलब है यहां रह गया k u ऑफ 2 दैट इज 1 प्लस यहां हो गया 4 ऑफ k u ऑफ 2 माइनस 1 दैट इज u ऑफ 1 दैट इज अगेन 1 और प्लस यहां पे भी हो गया आपका 4 ऑफ k बिकॉज u ऑफ 2 माइनस 2 दैट इज u ऑफ 0 और u ऑफ 0 होता है 1। राइट, सिमिलरली राइट हैंड साइड पे u ऑफ 2 बनेगा तो u ऑफ 2 इज अगेन 1। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन व्हाट इज द कैली ऑफ k बिकम, तो 9 ऑफ k इज इक्वल टू 1 यानी k इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9। सो व्हाट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन वैल्यू, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा y p n इज इक्वल टू 1/9 ऑफ u n। राइट, सो व्हाट इज द कंप्लीट फोर्स रिस्पांस बिकम, सो कंप्लीट फोर्स रिस्पांस इज होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। होमोजेनियस सॉल्यूशन हमने पढ़ा है c1 प्लस c2n माइनस 2 टू द पावर n और प्लस अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा है 1/n एंड देन un। राइट, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स रिस्पांस इन दिस गिवन डिफरेंस इक्वेशन। अब क्या बचा, अब लास्ट स्टेप है इस C1 C2 यानी जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना। सो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक तो हम यहां पे इसी इक्वेशन में n को 0 रखते हैं तो n को 0 रखेंगे तो यहां बचेगा C1 और यहां बचेगा प्लस 1/9 और जब n को 1 रखेंगे यानी y ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा माइनस 2 टू द पावर 1 देन प्लस ऑफ 1/9 यहां पे भी होगा क्योंकि u1 की वैल्यू क्या होगी 1। सो दीज आर द टू इक्वेशन। अब y0 और y1 की वैल्यू कहां से कैलकुलेट करूं, यहां ये कहां से कैलकुलेट होती है, ये कैलकुलेट होती है फ्रॉम द गिवन डिफरेंस इक्वेशन। सो अगर मैं यहां पे n की जगह 0 पुट करता हूं तो दिस बिकम y ऑफ 0 प्लस 4y ऑफ माइनस 1 प्लस 4y ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू x ऑफ 0 एंड x ऑफ 0 बेसिकली क्या है, xn बेसिकली क्या है इस क्वेश्चन में un, तो ये बेसिकली क्या बन गया u ऑफ 0, तो u ऑफ 0 क्या हुआ 1, तो y माइनस 1 क्योंकि यहां पे कोई इनिशियल कंडीशन नहीं है तो y माइनस 1 0 y माइनस 2 0 अल्टीमेटली जो हमारा y 0 बचेगा दिस इज नथिंग बट u 0 एंड u 0 इज 1। सो दैट मींस इन दिस इक्वेशन दिस सेज 1 इज इक्वल टू c1 प्लस 1/9। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1 बिकम, c1 बिकम 1 माइनस 1/9 दैट बिकम्स 8/9 इज द वैल्यू ऑफ c1। सिमिलरली इसी डिफरेंस इक्वेशन से आप n की जगह 1 पुट कर लीजिए तो ये हो जाएगा y ऑफ 1 प्लस 1 पुट किया तो y ऑफ 0 प्लस 4y ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू x ऑफ 1। Now, y1 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है तो y1 क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ 4y0, y0 1 है तो ये हो गया माइनस ऑफ 4 और प्लस यहाँ पे x1 है, x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 की वैल्यू होगी अगेन 1 तो दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ 3 यानी y1 इज माइनस ऑफ 3। तो इस y1 की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2c1 माइनस ऑफ 2c2 प्लस 1/9। यहाँ ऑलरेडी c1 की वैल्यू मेरे पास है दैट इज 8/9, तो अगर आप 8/9 यहाँ पुट कर दें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, देन यू विल गेट c2 ओवर हियर दैट इज 2/3। सो आप सॉल्व करके देखिएगा यहाँ पे आपको c2 2/3 मिलता है नहीं मिलता, एंड वंस यू गेट दिस c2 एंड c1 वैल्यू सो व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन मींस व्हाट इज द फोर्स रिस्पांस बिकम, जस्ट c1 और c2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए सो व्हाट इज द फोर्स रिस्पांस बिकम, द फोर्स रिस्पांस बिकम y ऑफ fn यानी कि रिस्पांस ऑफ द सिस्टम बिकम्स दैट इज c1 इज 8/9 प्लस 2/3 दैट इज c2 ऑफ n माइनस 2 टू द पावर n प्लस 1/9 ऑफ un। This is the answer what we want to calculate in the output response of the system that is called the force response because इस time input के लिए केवल हम calculation कर रहे हैं response के and input is given as un। राइट, सो आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन और द प्रीवियस लेक्चर ये मैंने इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम रखे हैं सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाए कि अगर आपको डिफरेंस इक्वेशन आए तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो आफ्टर डूइंग दिस और बिफोर लेक्चर अब आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं स्टेप रिस्पॉन्स एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स यूजिंग डिफरेंस इक्वेशन। अभी मैं इसके ऊपर एक और एक दो प्रॉब्लम और लेके आऊंगा सो दैट आप लोग और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए कि अगर मेरे पास कोई डिफरेंट केस है, जैसे अभी तक जो हमने केस लिया है वो हमने केस लिया है इनपुट के साथ, इनपुट हमारा कैसा है यूनिट स्टेप या इनपुट हमारा कैसा है डेलन इंपल्स। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा जहां पे मैं एक और इनपुट की कैटेगरी को कंसिडर करूंगा इफ इट इज इन फॉर्म ऑफ कॉस और साइन। राइट, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू वेरी मच।